once again to everyone on all Saturdays. We are in our competition of extent. Hai na message mila aapko Ashita? Yes ma'am. Hi. Today to aapka competition hai extempore ka. Now what is extempore? Do you all know extempore kya hota hai? No ma'am. नहीं पता? ठीक है, तो आपका कॉम्पिटिशन है एक्सटेम्पोर का. आपके पास फाइव टॉपिक्स हैं. फाइव टॉपिक्स हैं जिनमें से जो है मैं बता दे रही हूँ आपको. पहला है माय फेवरेट कार्टून. आपका जो फेवरेट कार्टून है, जो भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है ना, जैसे शिनचैन हो गया, डोरेमोन हो गया, नोबिता हो गया, एनीथिंग, टॉम एंड जेरी हो गया, ऑगी एंड कॉकरोचेस हो गया, जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है जो आप देखना पसंद करते हो. ठीक है. दूसरा है आवर प्लैनेट अर्थ. अपन भूमि पढ़े थे ना, भूमि चैप्टर अपन ने पढ़ा था, वो अर्थ के बारे में. आवर प्लैनेट एंड अर्थ. तीसरा है माई फेवरेट फूड, मतलब आपका जो फेवरेट खाना होगा उसके बारे में. माई फेवरेट गेम, जो गेम आप खेलना पसंद करते हो, इट कैन बी क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, एनीथिंग जो आपको पसंद हो. एंड माई फैमिली. ठीक है, माई फैमिली, ये आपके पांच एक्सटेम्पोर के टॉपिक हैं. अब इनमें से आपको किसी एक पे प्रिपेयर करना है स्पीच, है ना, स्पीच देनी है, उनके बारे में बोलना है. फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्यों पसंद है आपको, क्या अच्छा लगता है उसमें, मतलब क्या यूज आता है आपकी लाइफ में, ये सब पॉइंट्स इंक्लूड करके आपको एक स्पीच तैयार करनी है 2 मिनट्स की. कितनी मिनट्स होनी चाहिए? 2 मिनट्स की. सारों पे याद नहीं करना है. सारे टॉपिक्स पे याद नहीं करना है. फेवरेट माई फैमिली, फेवरेट गेम, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, फेवरेट देनी है इस पे. और क्या इंक्लूड करने हैं कि आपको, मतलब अगर आप लोगों ने लिया फेवरेट फूड लिया और उसमें आपका फेवरेट फूड मैगी है, ठीक है, तो आपको बताना है आपको मैगी क्यों अच्छी लगती है, why do you eat मैगी, है ना, मैगी किससे बनती है, मैगी के बारे में सब कुछ आपको बताना है ना. मैगी कैसे मूड को लाइटन अप कर देती है, क्योंकि मेरी भी फेवरेट फूड मैगी है, तो वो कैसे आपका मूड लाइटन अप कर देती है, ये सब आपको पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करना है. इज इट क्लियर मैम? टाइम कब बोलना है? सैटरडे को है प्रतिथि का कंपटीशन. सैटरडे को 25, कमिंग सैटरडे. आज वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, परसों है. मैम कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं? नहीं, टॉपिक्स आर गिवन इन योर ग्रुप. ग्रुप में क्या है, टॉपिक्स मैं रिपीट कर दे रही हूँ. फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, आवर प्लैनेट अर्थ, फेवरेट फूड, फेवरेट गेम, और मैम इसमें से कोई भी एक लाइन काट सकते हैं. हाँ, इनमें से कोई भी एक जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके आपको बोलना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे जिसमें आप बोलना चाहे. ठीक है, बी प्रिपेयर्ड. सभी को पार्टिसिपेट करना है एंड सभी को आके बोलना है. ऐसा नहीं होगा कि कोई आएगा और कोई नहीं आएगा, नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना है. ठीक है? यस मैम. ओके मैम. सो यू हैव, दैट्स ऑल फॉर एक्सटेम्पोर. तो आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट कर ली थी क्वेश्चन आंसर्स कल वाले चैप्टर 10 के? यस मैम. मैम मेरे नहीं हो पाए थे. प्रगति कंप्लीट इट, है ना, यू हैव टू कंप्लीट इट, कंप्लीट फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर टुडे. मैम वर्ड मीनिंग नाम से लिखते हैं. आल्सो हैव नॉट कंप्लीटेड. नो प्रॉब्लम प्रगति, कंप्लीट इट. वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट बाय योर ओन सेल्फ. अपने आप वर्ड्स मीनिंग लिखनी है. क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर ले. हां, बुक्स लेके आप वर्ड मीनिंग लिखनी है. हां प्रगति. एक सेंटेंस भी अपने आप से लिखने हैं. एक सेंटेंस बाय योर ओन सेल्फ, है ना. आप ट्राई करो सेंटेंस बनाना, कभी आपसे सेंटेंस बन पाएंगे.
अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है किसी भी वर्ड को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हो ग्रुप में, ठीक है मैम? ओके मैम, मैं कर्तव्य पर लिखना लिखना चालू कर दिया। यस मैम, विजय मैम, मैंने कर्तव्य पर लिखना चालू कर दिया, आपने देखा? किस पे लिखना चालू कर दिया बेटा? कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग, ओके, वेरी गुड। यू हैव पोस्टेड अ पिक्चर, पिक्चर पोस्ट की है आपने कर्सिव बुक की? यस मैम। ओके, आई सी, वेरी गुड। जिसने चालू कर दिया, वेरी गुड, लिखना चाहिए, है ना? कर्सिव, यू हैव टू राइट कर्सिव ताकि आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो, ताकि आप और कर्सिव अच्छे से लिख सको, है ना? बिकॉज कर्सिव राइटिंग इज गुड, है ना? ऐसे अलग अलग जो लिखते हैं वो उतना अच्छा नहीं दिखता जितना अच्छा कर्सिव राइटिंग दिखता है। So you should write that. Okay, so we'll start our new chapter, chapter 11, Anansi and Wisdom. Chapter 11, Anansi and Wisdom, page number 96. Take out page number 96. Okay. Ma'am, 11, chapter Anansi and Wisdom, yes. Wisdom matlab buddhi. Wisdom matlab hota hai buddhi. Long, long ago, people did not know anything. They did not know how to plant crops or H-O-W, how to W-E-A-V-E, with cloth or how to make iron tools. Nami, the sky god, had weave cloth, or how to make iron tools. Okay. Nami. Okay, Ranvijay, stop. Okay. So here Anansi and Wisdom is a story. Okay, it is a story about long, long ago. Na? Have you ever wondered how people on earth got to learn and know so many things? अभी कभी आप लोगों ने सोचा है जो आप लोग इतना सारा अप्लाइंसेस अपने घर में यूज करते हो, लाइक टीवी, फ्रिज, आयरन रॉड्स, है ना, पानी गर्म करने के लिए बटन दबाया पानी गर्म हो गया, है ना, चीजें ठंडा करनी है फ्रिज में रखा चीज ठंडी हो गई, गर्मी लग रही है फैन ऑन कर लिया, एसी ऑन कर ली ठंडक मिल गई। सो हैव यू एवर वंडर्ड दैट कि हाउ इज दिस पॉसिबल, मतलब इसका इन्वेंशन किसने किया, दैट दीज थिंग्स आर पॉसिबल फॉर अस, है ना, कितने आराम से हमारी लाइफ वो हो रही है, इतने आराम से हमारी लाइफ कट रही है, हमें लाइफ के लिए कोई दिक्कत नहीं जा रही है और आराम से हमारी लाइफ स्मूथली चल रही है, है ना? इफ हमें कहीं जाना है, देन वी हैव व्हीकल, वी हैव टू नॉट वॉक, वॉक करके नहीं जाना है, हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी से चले जा रहे हैं, है ना? सो यू हैव थिंक कि कितने इन्वेंशन साइंटिस्ट ने किए हैं, दैट्स व्हाई आवर लाइफ इज सो इजी एंड स्मूथ गोइंग ऑन नाउअडेज, बहुत ही इजी है, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, आजकल सारी फैसिलिटीज मोबाइल पे हैं, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है एंड वी आर ओके विथ इट, ठीक है? तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ पीपल ऑन अर्थ गॉट टू लर्न, अभी लोगों ने बहुत चीजें सीखना चालू कर दी है ना, दे यूज टू, मतलब स्टिचिंग चालू कर दी है, टेलरिंग, कपड़े कैसे सिलते हैं उसको चालू कर दिया है, नई नई डिशेस बनाना लोगों ने चालू कर दिया है ना, नई नई गेम्स का इन्वेंशन हो रहा है, तो ये किसी से देखा गया है एंड देन वो हम लोग
फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि हम ही लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी ये बहुत सालों से, बहुत महीनों से चलता आ रहा है, लॉन्ग लॉन्ग एगो से। सो उसके बाद हमें इस चीज के बारे में पता चल रहा है कि हमें बहुत सारे इन्वेंशन हमारे जो लाइफ में है वो हुए हैं, है ना। देन दैट इज ऑल अबाउट, लेट अस सी। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट नो एनीथिंग, बहुत बहुत पहले की बात है, लोगों को कुछ नहीं आता था, उन्हें कुछ नहीं पता था। अचानक से जब भी फायर का इन्वेंशन हुआ, वो जो आग लगती है, क्या हुआ था पहले के जमाने में, एक पीपल, कोई एक आदमी था, है ना, कोई पीपल था, पर्सन था, वो ऐसे ही जंगल में गया, है ना, he has gone to jungle and So, क्या हुआ, उन लोग कहा जंगल में गए, ठीक है, they have gone to jungle, जंगल में गए, क्या हुआ, टू स्टोन्स लिए, उन लोगों ने अचानक से ऐसे, उन लोगों को फायर जलानी थी, उनको कुछ सामने नहीं दिखा, they have seen two stones, दो पत्थर लिए एंड उन्हें रब किया, उनको ऐसे ऐसे करके रब किया एंड अचानक से फायर आ गया एंड they were very happy to see that, कि अरे वाह एक नया इन्वेंशन हो गया, है ना। सो लाइक दिस फायर वॉज इन्वेंटेड, कि दो पत्थरों को रब करना, आज भी अगर आप कोई दो पत्थर जो बहुत मतलब स्लिपरी हो पत्थर, है ना, उनको आप ऐसे रब करोगे ना तो वो चिंगारी फेंकते हैं, फ्रॉम दैट चिंगारी दे डिस्कवर्ड फायर, फायर डिस्कवर हो गया, फायर हमें पता चला कि अरे फायर भी है, बिना मैचस्टिक के भी हम फायर जला, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सुशील, बिना फायर के अलावा भी, बिना मैचस्टिक के अलावा भी हम फायर जला सकते हैं। सो लाइक दिस द फायर वाज इन्वेंटेड, है ना, ऐसे हमें पता चला कि फायर, आग कैसे इन्वेंट की जा सकती है। दे डिड नॉट नो हाउ टू प्लांट द क्रॉप्स, ठीक है, अब उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, दे डू नॉट नो हाउ टू प्लांट द क्रॉप्स, मैंने जो सीड्स है, जो अभी एग्रीकल्चर, अभी बहुत सारे घरों में फार्मिंग होती होगी, है ना, तो फार्मिंग के बारे में पहले लोगों को नहीं पता था, अभी तो बहुत इन्वेंशन हो गया है, बहुत इजी हो गया, बहुत मशीनें आ गई हैं जिसकी वजह से फार्मिंग एग्रीकल्चर बहुत इजी हो गया, बट पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, नहीं उन लोगों को नहीं पता था हाउ टू प्लांट अ वेजिटेबल ऑल्सो, उन लोगों को वेजिटेबल भी प्लांट करना नहीं आता था, और हाउ टू वीव अ क्लोथ, क्लोथ को कैसे वीव करते, बुनाई कैसे करते हैं, है ना, दे डू नॉट नो दैट, और हाउ टू मेक आयरन टूल्स, आयरन टूल्स मतलब जो तलवारें हो गई, है ना, जो आयरन से बनी हो, जो लोहे से बनी है चीजें, वो भी उन्हें बनाने नहीं आती थी, दे डू नॉट नो हाउ टू मेक देम। नाइनान द स्काई गॉड, ठीक है, नाइनान की एक नाम थी जिसका नाम था स्काई गॉड, हैड ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, हैड ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विजडम मतलब बुद्धि, है ना, विजडम मतलब होता बुद्धि, ठीक है, जो दिमाग आपके पास है दैट इज नोन एज विजडम, कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने वाइज हो, चीजों को लेके कैसे सोचते हो, आपकी सोचने का तरीका कैसा है, दैट इज विजडम, दैट इज नोन एज विजडम। सो नाइनान वाज व्हाट, स्काई गॉड, शी वाज अ गॉड, है ना, एंड शी हैड ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जितनी बुद्धि थी, जितनी भी वर्ल्ड की थी, वो सारी उसके पास थी, ही केप्ट इट इन अ सेफ इन अ क्ले पॉट, अब वो बुद्धि कहाँ वो रखती थी, एक पॉट में रखती थी, एक पॉट था, एक मटका था, उसके अंदर वो अपनी सारी बुद्धि रखती थी, ओके, यस, अक्षता स्टार्ट कीजिए, वन डे नीविंग नाइमैन, नाइमैन गेव टू पॉट ऑफ विजडम Ananasi. Every time Ananasi looked in the clay pot. He learned something new. It was so exciting. Okay. So, अब एक दिन क्या हुआ?
What happened one day? One day, Naina gave pot of wisdom to Ananasi. एक Ananasi थी. Ananasi ने क्या किया? जो pot of wisdom है, मतलब जो बुद्धि का घड़ा था, उसके पास नाइनान के पास बुद्धि का घड़ा था. तो नाइनान ने वो बुद्धि का घड़ा किसे दे दिया? Ananasi को दे दिया. Every time Ananasi looked in a clay pot, he learned something new. अब जैसे ही Ananasi उस pot में देखती, उसको कुछ नया सीखने को मिलता. She knows to learn something new. It was so exciting. उसे बहुत मजा आ रहा था नई नई चीजें सीखने में. Okay? So here what we have seen कि नाइनान थी जो sky god थी, जिसके पास बुद्धि का घड़ा था, है ना, बुद्धि का एक pot था जो उसने Ananasi को दे दिया था. और जब भी Ananasi उस बुद्धि में उस पॉट में देखती थी, she gets to learn something new. उसे कुछ नया सीखने को मिलता था. So who was God? Who was God? जिसके पास बुद्धि का पिटारा था, जिसके पास बुद्धि का पॉट था, क्या नाम था उसका? Round.
the crock pot and tied it to his okay, so he spun a long thread. अभी उसको पेड़ पे चढ़ना था पॉट लेके, है ना, वो मटका लेके उसको पेड़ पे चढ़ना था. So how can she climb taking it in her hand? अगर हैंड पे लेगी तो वो कैसे ऊपर चढ़ेगी? तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने सोचा कि इस पॉट को मैं अपने कमर पे बांध लेती हूँ. विद अ लॉन्ग थ्रेड उसने उस पॉट को अपने पीठ पे बांध दिया, है ना, शी कैप्ट इट ऑन द स्टमक, स्टमक की साइड पे बांध लिया. बिकॉज एनानेसी वॉज अ स्पाइडर, स्पाइडर थी, यू कैन सी इन द पिक्चर, एनानेसी एक स्पाइडर है. तो उसने अपने स्टमक पे उस पॉट को बांध लिया. ही बिगन टू क्लाइंब द ट्री एंड ही स्टार्टेड टू क्लाइंब द ट्री. But it was hard climbing the tree and with the pot bumping him in the knee all the time. Now she has tied it on the stomach, है ना? He has tied it on the stomach. अब stomach से ही तो अपन चढ़ेंगे ना पेड़ में. Now as she was climbing, जैसे ही वो climb कर रही थी, as soon as she was climbing, उसे क्या हो रहा था? नहीं चढ़ पा रही थी, है ना? क्योंकि वो जो मटका था वो knee से touch कर रहा था and it was not he was not able to climb on the tree. Tree पे वो नहीं चढ़ पा रही थी. All the time, Ananasi's young son had been standing at the bottom of the tree watching. अभी ये जब Ananasi का एक बेटा था, he had a son. जब भी Ananasi ये सारे काम कर रही थी, he was standing under the tree and watching his father. है ना, अपने father को देख रही थी कि ये क्या कर रहा है. He said, wouldn't be easier to climb if you tied the pot to your back instead. अगर आप अपना पॉट अपने पीठ पे बांध लेंगे तो आप इजीली क्लाइंब कर सकते हैं, आप जल्दी से चढ़ सकते हैं. Ananasi tried tying the clay pot full of wisdom to his back. ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने सोचा पेट से खोल के मैं पीठ पे बांध देता हूँ. And it really was not easy. अब क्या हुआ, उसे चढ़ना बहुत आसान हो गया. In no time he reached the top of the tree. अब उसे बिल्कुल समय नहीं लगा और वो बहुत जल्दी top of the tree में पहुंच गया. He stopped and thought, I'm supposed to be the one with all the wisdom and here my son was cleverer than me. अब उसने सोचा कि अरे यहाँ पे तो मुझे स्मार्ट होना था पर यहाँ पे तो मेरा बेटा बहुत स्मार्ट निकला, उसके पास ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई. So Ananasi was so angry about this that he threw the clay pot down. Out of the tree, ठीक है, Ananasi इतनी गुस्से में आ गई कि वो जो पॉट था वो उसने पेड़ से नीचे फेंक दिया. It smashed into pieces on the ground. अब वो जो पॉट था वो टूट गया. The wisdom was and that people learned to farm, to weave cloth, to make arrows and all other things. People know how to do. ठीक है, तब क्या हुआ, मटका नीचे फेंक दिया गया, ट्री से नीचे फेंक दिया गया, तो क्या हुआ, मटका फूट गया और मटके के अंदर सारी बुद्धि थी, सारी विज्ञान थी, तो वो अब सारे लोगों में स्प्रेड हो गई. तब से लोगों को समझ में आ गया कि क्लोथ को कैसे वीव करते हैं, आयरन के रॉड्स कैसे बनाते हैं, फार्मिंग कैसे करते हैं, ये सब लोगों को पता चलने लगा. एज क्या हुआ था, वो जो बुद्धि का घड़ा था वो फूट गया था. इट गॉट स्मैश्ड बिकॉज Ananasi गुस्से में आके उसको नीचे फेंक दिया था. एंड इट बिकेम ईजियर फॉर एवरीवन टू लर्न समथिंग न्यू. कुछ नया सीखने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिला एंड दे स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स. ओके, सो दिस वाज ऑल द स्टोरी अबाउट नाइनम एंड Ananasi. ठीक है, Ananasi, Ananasi के पास क्या था, व्हाट डज Ananasi हैव? क्या करके आना है मंडे को सभी को?
मैम क्या करके आना है रंग विजय? यस मैम तो ठीक है, क्या करके क्या आना है? प्लज याद कर कर, प्लज याद करना है. वेरी गुड वेरी गुड. ओके सो एवरीवन शुड बी गेट, मतलब एकदम बहुत अच्छे से सबको लर्न करके आनी है. मंडे को मैं किसी का बहाना नहीं सुनने वाली. एंड यू हैव टू बी वेरी गुड एट सेइंग प्लज बिकॉज schools are going to reopen as soon as possible. ठीक है, स्कूल खुलेगी. यस लक्ष्मी, मंडे को या फिर सैटरडे को? सैटरडे को तो एक्सटेम्पोर है, सैटरडे को कंपटीशन है, मंडे को प्लेज लर्न करके आनी है बिकॉज यू गेट डिसमिस टाइम. संडे इज ऑल्सो देयर. मंडे को एवरी वन शुड बी नोइंग द प्लेज बिकॉज अभी आप लोग बहुत साल से स्कूल नहीं आए हो एंड स्कूल कभी भी खुल सकती है, तो आप लोगों को प्लेज बनना चाहिए. असेंबली में जब भी होगा तो आपको प्लेज बोलने आना चाहिए, है ना? तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करोगे एंड सभी लर्न करके आओगे. आई होप सभी लोगों ने कॉपी में, इंग्लिश कॉपी में प्लेज लिख लिया होगा. लिख लिया है सभी ने प्लेज? नो मैम. यस मैम. किसने नहीं लिखा है वो लिख लो प्लेज और स्टार्ट करो लर्न करना. मंडे को मैं सबसे पूछूंगी. बट रणविजय आपको याद करके आना, आप असेंबली कराओगे, आपको प्लेज बोलना है. ओके? यस मैम. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय मैम. गुड मॉर्निंग. थैंक यू मैम. गुड डे मैम.